राजद आगामी विधानसभा चुनाव माइक्रो मैनेजमेंट के तहत लड़ेगा। अपनी ताकत नहीं पहचाने जाने के कारण ही बीते लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर मामूली अंतर से राजद की हार हुई। ये बातें मंगलवार को खाजा सराय में प्रेस वार्ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने कही। उन्होंने कहा कि राजद ने संगठन की मजबूती के लिए 12 एवं 13 सितंबर को दरभंगा ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया है। ऑडिटोरियम में उन्हें ही प्रवेश मिलेगा जिनके पास आमंत्रण पत्र होगा। इस कार्यक्रम में संगठन की मजबूती पर चर्चा होगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का सीधा संवाद कार्यकर्ताओं से होगा। पहले दिन हायाघाट, बहादुरपुर, दरभंगा शहर, केवटी एवं जाले के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। दूसरे दिन ग्रामीण अलीनगर, गौराबौराम, कुशेश्वर स्थान व बेनीपुर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। इस दिन दरभंगा शहरी क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भ्रमण भी होगा। प्रेस वार्ता में राजद जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव, महानगर राजद अध्यक्ष गंगा मंडल, पूर्व विधायक रामनिवास प्रसाद, राजद जिला प्रवक्ता राशिद जमाल आदि मौजूद थे। माननीय तेजस्वी यादव जी, जो विपक्ष के नेता भी हैं और राष्ट्रीय जनता दल के भावी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी हैं, उनका आगमन यहाँ 11 तारीख की शाम में होगा। 11 की रात को यहाँ रहेंगे, 12 की रात भी रहेंगे और 12 और 13 दोनों ही दिन समीक्षा होगी और आपस में जो भी पार्टी के ग्राउंड के वर्कर हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे वो बातचीत करेंगे। न तो कोई जनसभा होगी और न किसी और नेता का उनके अलावा भाषण होगा। वो भी सिर्फ मिलेंगे, किसी कोई भाषण का कार्यक्रम उनका नहीं है। तो इस तरह का दौरा आज शुरू हो गया उनका समस्तीपुर से, फिर दरभंगा रहेंगे और फिर मधुबनी जाएंगे और उसी में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वर्कर मान नहीं रहा, हालांकि वहां से तो मनाही है, बैनर पोस्टर की भी मनाही है, बहुत सादगी से होना चाहिए, लेकिन शहर के लोग अभी बैठे थे वर्कर्स, उनकी अनुमति हो जाएगी तो उनका स्वागत शहर में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, शहरी इकाई है हमारी, मंडल जी अध्यक्ष हैं, ये लोग करेंगे और उसमें सभी कार्यकर्ता नेता का सहयोग रहेगा। 12 तारीख को 5 विधानसभा और 13 तारीख को 5 विधानसभा, टोटल 10 जिला में हमारे जो पंचायत के अध्यक्ष हैं, प्रखंड कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, जिला कमेटी के जो सदस्य हैं और हमारे दल के ऐसे बुजुर्ग वरिष्ठ कार्यकर्ता जो दल के बहुत बड़े सपोर्टर हैं लेकिन पद पे नहीं, तो वैसे लोगों को चिन्हित करके और उनका कार्ड बनाया गया है, जिनके पास प्रवेश पत्र होगा वही प्रेक्षागिरी के अंदर जाएंगे। प्रवेश पत्र हमारे माननीय नेता का भी बना है, हमारे यहाँ जितने भी वरिष्ठ सांसद हैं या विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं, सबों का कार्ड बना है और राजद कार्यकर्ताओं के साथ अनुशासन को कायम रखते हुए सभी कार्यकर्ता उस हॉल के अंदर में प्रवेश करेंगे। माननीय नेता अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे,
और हम लोगों का भी यह संदेश है, जो पार्टी का जो अनुशासन है, पार्टी ने जो निर्देश दिया है, तो मैं कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहता हूं, जो पार्टी का निर्देश है, बैनर नहीं लगाना है, पोस्टर को नहीं लगाना है, फूल मालाओं से नेता का कोई स्वागत नहीं होगा, और न ही नेता जो बोलेंगे उसके बाद कार्यकर्ता ही बात करेंगे, न ही कोई भाषण होने वाला। तो हम लोग उस अनुशासन का, निर्देश का पालन करने के लिए सभी कार्यकर्ता कई बैठक कर चुके हैं और सुसज्जित ढंग से हमारे हॉल के अंदर जाने वाले कार्यकर्ताओं का सूचीबद्ध तरीका से विधानसभा वाइज पूरे क्रमांक संख्या के साथ सूची बन गई है। एक कॉपी प्रशासन को भी उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे कुछ वर्कर्स गेट पे रहेंगे और चिन्हित करके बारी बारी से कार्ड दिखाते हुए अंदर प्रवेश करेंगे। 11 बजे बैठक शुरू हो जाएगी 12 को, और बैठक के उपरांत नेता जब परिसदन में जाएंगे सर्किट हाउस, तो वहां भी विधानसभा वाले हम लोगों का सूची बन गया है, जो एक विधानसभा में हमारे जो भी बैठक में शामिल नहीं हो सके वैसे लोगों को मौका दिया जाएगा, जो माननीय नेता से वो मने मिल सके। नेता चाह रहे हैं जो हम अपने पंचायत के वर्कर्स को भी हम खुद पहचान सके, तो पार्टी का जो संगठन है वह मजबूत है, लेकिन और उसको मजबूत कैसे बना सके, इसी के लिए यह बैठक हो रही है। क्योंकि 2025 का विधानसभा चुनाव कभी भी हो सकता है, तो राष्ट्रीय जनता दल का जो साथी है फौलाद, उसको धारदार बनाने के लिए, उसमें जोश भरने के लिए कार्यकर्ताओं को आगे प्रशिक्षित भी करेंगे, लेकिन अभी हमारे जो कोर वर्कर है पंचायत अध्यक्ष तक के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलके वो बात करेंगे। ये स्पष्ट कर दे, उधर अध्यक्ष बोल, विधानसभा में से 5-5 को बुला रहे हैं, 12 और 13 को, तो 12 तारीख को कौन कौन विधानसभा से बुला रहे हैं? देखिए 12 को है हायाघाट, बहादुरपुर, दरभंगा शहर, केवटी और जाले, और 13 को है दरभंगा सदर, बेनीपुर, अली नगर, गौराबोराम और कुशेश्वर स्थान, तो यही 2 साइड में डिवाइड हुआ है। और हॉल की कैपेसिटी उतना नहीं है, और फिर नेताओं को, नेता को कार्यकर्ताओं से बात करनी है, तो एक बार में 10 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से बात नहीं कर सकते हैं, इसीलिए 5-5 का विधानसभा का 2 दिन में रखा गया है। ये पर्यवेक्षागिरी में जो है कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन रखा गया, ये कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन इसीलिए रखा गया कि हर कार्यकर्ता वो पार्ट बाय पार्ट बुला के बात करेंगे कि उनकी क्या समस्या है, और उसी समस्या से जो है से आगामी चुनाव के लिए जो है 25 के चुनाव के लिए जो है से हम लोग को संबोधन देंगे, और उसके बाद 12 तारीख को जो है से कार्यक्रम होने के बाद 13 के भी होगा, और 13 के शाम में कार्यक्रम होने के बाद दरभंगा शहर का भ्रमण करेंगे। ये दारू भट्टी चौक से जो है ऐसे निकल के टावर होते हुए जो है फिर मधुबनी है,